झुंझुनू धाम में 3 दिवसीय पाटोत्सव कार्यक्रम, दूसरे दिन सवा लक्ष रुद्राक्ष महायज्ञ व रुद्राभिषेक। सवा लाख रुद्राक्ष से मनाया सोमनाथ महादेव का शिवलिंग। बंगाल के कारीगरों ने बनाया रुद्राक्षों से शिवलिंग। इसी शिवलिंग के सामने हुआ रुद्राभिषेक कार्यक्रम। 108 जोड़ों ने दूध दही गन्ने के रस से किया अभिषेक। हजारों लीटर गंगा जल से भी किया गया अभिषेक। सोमवार को अखंड ज्योत पाठ का भी होगा आयोजन। झुंझुनू के श्री श्याम मंदिर झुंझुनू धाम में चल रहे पाटोत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन आज भगवान भोले को रिझाया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर में बंगाल के कारीगरों के द्वारा सवा लाख रुद्राक्षों से सोमनाथ महादेव के शिवलिंग का विग्रह बनाया गया, जिसके सामने बैठकर 108 जोड़ों ने रुद्राभिषेक किया। पंडित वेद प्रकाश महमिया ने मंत्रोच्चारण के साथ दूध दही गन्ने का रस आदि से रुद्राभिषेक संपन्न करवाया। रुद्राभिषेक के लिए खासतौर पर हजारों लीटर गंगा जल भी मंगवाया गया था। श्री श्याम परिवार संस्था के अध्यक्ष विपिन गाड़िया ने बताया कि 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का आरंभ शनिवार को विशाल निशान यात्रा के साथ हुआ था। इसी क्रम में समापन के दिन सोमवार को मंदिर में श्री श्याम पाठ का आयोजन किया जाएगा। वहीं रात को विशाल भजन संध्या के साथ महाप्रसाद का आयोजन होगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम को लेकर मंदिर परिसर को फूलों और रोशनी से सजाया गया है। वहीं बड़ी संख्या में प्रवासी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए झुंझुनू धाम पहुँचे हैं। भगवान श्याम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के द्वितीय पाठोत्सव के अंतर्गत भगवान शिव का अष्टोत्तर शतरुद्ध रुद्राभिषेक महायज्ञ तथा सवालक्ष भगवान शिव का रुद्राक्ष से सोमनाथ भगवान का शिवलिंग का निर्माण हुआ। भगवान शिव का जो अभिषेक किया जाता है सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, और आज जो भव्य 108 यजमानों के द्वारा अभिषेक हो रहा है उसमें भगवान शिव को दूध दही घी शर्करा चीनी गन्ने का रस नाना प्रकार के द्रव्य पुष्पोदक से भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। भगवान की मनसा कामना में लिखा गया जलेन वृष्टि माप्नोति व्याधि शांति कुशोदकी, अर्थात जल चढ़ाने से वृष्टि की प्राप्ति अर्थात जल की प्राप्ति होती है, और कुशोदक चढ़ाने से अर्थात शारीरिक व्याधि नाश होती है। तो हम भगवान शिव का लक्ष्मी की भी कृपा हमारे पूरे जनमानस में बनी रहे तो गन्ने के रस से अभिषेक कर रहे हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूध से अभिषेक कर रहे हैं। इसलिए अष्टोत्तर शत भगवान शिव का दूध से भगवान शिवलिंग का पूजन और अभिषेक किया जा रहा है। ये अभिषेक करीबन करीबन 4 घंटे का प्रोग्राम रहेगा, तो करीबन 2 बज जाएंगे। इससे पहले शनिवार को झुंझुनू शहर में स्थित श्री श्याम मंदिर झुंझुनू धाम में दूसरा 3 दिवसीय पाटोत्सव शुरू हुआ। पहले दिन शनिवार को शहर के मुख्य मार्गों से निशान यात्रा निकाली गई। करीब 1100 निशानों के साथ महिलाएं और पुरुष झूमते गाते हुए अग्रसेन भवन से रवाना हुए, जो मुख्य मार्गों से होते हुए श्री श्याम मंदिर झुंझुनू धाम पहुंचे, जहां पर निशान अर्पित किए। श्री श्याम परिवार संस्था के अध्यक्ष विपिन गाड़िया ने बताया कि बाबा श्याम के प्रसिद्ध सूरजगढ़ निशान के मुखिया हजारीलाल सैनी के सानिध्य में ये निशान यात्रा निकाली गई। इसी क्रम में आगामी 2 दिन रविवार और सोमवार को भी विविध कार्यक्रम होंगे। सोमवार को अंतिम दिन अखंड ज्योत का पाठ आयोजित करने के साथ साथ भजन संध्या होगी और कार्यक्रम को विश्राम दिया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रवासी श्याम भक्त भी झुंझुनू पहुंचे हुए हैं। मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहले तो सभी भक्तों को जय श्री श्याम। श्री श्याम परिवार संस्थान हर साल की भांति वार्षिक पटोत्सव मनाने जा रहा है। ये द्वितीय पाटोत्सव है, उसमें सभी भक्त 1100 लेडीज है श्याम भक्त निशान लेके मुख्य मार्ग से गुजरते हुए ये यात्रा झुंझुनू धाम पहुँचेगी। वहाँ पे उनका खूब अच्छे से सत्कार किया जाएगा। फिर रात को भजन संध्या है, जो कि सूरजगढ़ के महाराज द्वारा करवाई जाएगी। इसके बाद में महाप्रसाद का आयोजन रखा गया है। तत्पश्चात दूसरे दिन शिवजी का रुद्राभिषेक होगा, उसमें काफ़ी सुंदर व्यवस्था की गई है। उसमें जल का अभिषेक भी गंगा की पावन तटों से लाकर इधर बोटलों द्वारा भरवाया गया है, उसी से अभिषेक किया जाएगा। फिर तीसरे दिन अखंड ज्योति पाठ है, उसमें शिवू के सानिध्य में रहने वाले कलाकार और नैनी जी सुरोलिया द्वारा पाठ का वाचन किया जाएगा। खूब अच्छी सुंदर है, खूब नृत्य नाटिका सहित वो पाठ का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद में समापन पे महाप्रसाद का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ जय श्री श्याम।